द मांझी द माउंटेन मैन इधर ये है, मांझी द माउंटेन मैन गेलोर घाटी। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग ये है कि आज हम जा रहे हैं द मांझी द माउंटेन मैन। पहाड़ी पहाड़ है मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है द मांझी द माउंटेन मैन। फिल्म तो आप लोग जरूर देखोगे, तो हमारा वीडियो भी लास्ट तक जरूर देखें। तो बहुत मजा आने वाला है द मांझी द माउंटेन मैन ड्राइव कर रहे हमारे दोस्त तासिम, और हमारे पीछे हमारे सोनू दोस्त बैठे हैं। तो द मांझी द माउंटेन मैन में जाने के बाद मैं आपको वहां का नजारा दिखाऊंगा। तो सोनू अरे हंस के आने वाला है, पकड़ लीजिए आप लोग। चलो कोई बात नहीं, हंस के आने वाला बात आ गया है। यहाँ से द माउंटेन मैन कितना दूर है मेरा दोस्त? माउंटेन मैन मांझी 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 द माउंटेन मैन गेलोर घाटी ये जाएगा ना? हाँ जाएगा। हाँ ये वाला देख रहे चरंडी मॉल पर जाएगा ना? हाँ तो वाला से फिर इधर मुड़ जाएगा, चरंडी से उधर नहीं जाना है, इधर मुड़ जाना। अच्छा इधर मुड़ जाएगा, इधर मुड़ जाएंगे। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से पड़ जाएगा 10-12। 10-12 किलोमीटर? हाँ ज्यादा दूर अपना जाना है, ये जाना है चरंडी पूछी के ना तो लिखा रहेगा बोर्ड में। बोर्ड में तो हमेशा लिखा रहता थैंक यू। मेरा दोस्त बता दिए तो वीडियो के साथ बने रहे। गेलोर घाटी द मांझी द माउंटेन में 2-3 किलोमीटर है। 2-3 किलोमीटर तीन किलोमीटर आगे पूछते आ रहे हो? 5 किलोमीटर। लोकेशन आ रहा है इधर का गेलोर घाटी में, गांव पड़ते हैं यहाँ पे, कुछ गांव का नाम होगा बट हमें गांव का तो नाम नहीं मालूम है, बट मस्त है। चाचा यहाँ पे जो द मांझी द माउंटेन में जो पहाड़ काट के बनाए ना रास्ता किधर है? वैसे यहाँ पे है। चलिए थैंक यू, ठीक फैमिली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं द मांझी द माउंटेन मैन। ये रहा गेट दशरथ मांझी द्वार। तो चले आपको दिखाता हूँ दशरथ मांझी का स्टैचू। ये रहा गेट अंदर जाने का, तो मैं गेट से अंदर जाऊंगा। ऐसी पत्थर काटे थे ये देखे लिखा हुआ है इस। ये रहा उनका स्टैचू जो पहाड़ दोनों पहाड़ के बीच में रास्ता निकासी किए थे, ये उन्हीं का स्टैचू है। ये इनके फोटो है और ये इनका फोटो है दशरथ मांझी का। देख ले बहुत मुश्किल से पहुंचे यार, पूछते कोई बोला 4 किलोमीटर पे है, कोई बोल रहा 5 किलोमीटर पे, कोई बोल रहा 10 किलोमीटर पे, कोई बोल रहा 15 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग हमारे गांव से कम तो 80 किलोमीटर पड़ते हैं। तो हम लोग पहली बार आए हैं, इसको इतना तो नहीं पता था, पूछते पूछते बोले चलो फाइनली गए। हम लोग तो पहुंच चुके हैं, अब मैं दिखाऊंगा इधर का नजारा आप लोग को।
तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं दमाजी द माउंटेन में, जो कि यही रास्ता काट के निकाला गया है बीच से, ये पहाड़ एक पहाड़ बीच से रास्ता निकाले गया। तो वीडियो के साथ बनते रहो, कैमरा मैन आ गया। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that. हम लोग finally इस पहाड़ पे हम लोग चल रहे हैं। तो वीडियो यही बीच से रास्ता काट के निकाल, देखिए वीडियो। बहुत ऊंचा, हम लोग वो चूड़ी के ऊपर चढ़े। ये रहा पहाड़ के ऊपर का नजारा जो को वे देख रहे हैं। ये पिछला गेट है, इधर पीछे से भी आ सकते हैं। ये पिछला गेट है और यही बीच से काट के ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से लेके जाके यही बीच में पहाड़ काट के बनाया बीच में रास्ता दमाजी द माउंटेन में माजी। तो हम लोग ऊपर वहाँ लास्ट चोटी तक जा रहे हैं, तो आप वीडियो बने रहे। बहुत बड़ा पहाड़ है इधर दमाजी माउंटेन में इनका। ये मेरा दोस्त सोनू जो धका धक धका धक धका धक फोटो खींच रहा है, कैमरामैन मेरा बस सोनू ही का फोटो खींच रहा है बार बार। देखिए पास का गांव यहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ की चोटी। तो फाइनली गाइस हम लोग वहाँ चोटी तक जाऊंगा, आप वीडियो बने रहे। चलो Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be someone. फाइनली गाइस हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं। पहाड़ के बहुत ऊंचा है वो चोटी के पास मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मैं थक चुका हूँ, क्योंकि बहुत दूर से मैं आया हूँ। तो वीडियो लास्ट यहाँ तक, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे तो हमारा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। बहुत मेहनत लगा वीडियो बनाने में, लाइक जरूर दें।